नमस्कार सुप्रभात बहुत बहुत स्वागत है ज्योतिष दिशा सत्य की रामे मैं हूं आपके साथ एस्ट्रो फ्रेंड आपका संतोष संतोषी और रात दस बजे हमारे साथ आप लाइव जुड़ते हैं हर दिन लेकर के हाजिर होते हैं आप लोगों के सामने प्रश्नोत्तरी का खास कार्यक्रम जिसमें आपके कमेंट्स का उत्तर हम तत्काल देते हैं और हर दिन हमारे साथ लगभग हजार लोग जुड़ ही रहे हैं ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है आप लोगों से अनुरोध है कि जब आप हमसे लाइव जुड़ें तो एक बार में सिर्फ एक प्रश्न का उत्तर दिया करें मतलब एक प्रश्न किया करें और वेट किया करें आप लोग एक प्रश्न को कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट करके करीब एक व्यक्ति एक ही बात को 20 25 30 कमेंट कर डालता है जिससे होता क्या है कि रश बढ़ जाता है और सही लोग रह जाते हैं फिर आप लोग तरह तरह के ब्लेम करते हैं कि आप पार्शल होते हैं आप पैसे लेकर के कमेंट पढ़ते हैं ये सब थोड़ा सा हर्ट करता है और हम जैसे ईमानदार और पवित्र व्यक्ति को जब दुख होता है तो उसका खामियाजा हर कोई भोगता है कम से कम तीस लोगों को तीस लोग कम से कम इकहत्तर सौ रुपये का फायदा उठाते हैं दो लाख दस हज़ार रुपये का हर दिन निःशुल्क कंसल्टेंसी में दे रहा हूँ सोचा जाए जिस चीज़ को लोग इकहत्तर सौ रुपये देकर हमारे पास आते हैं उस इकहत्तर सौ रुपए को हम निःशुल्क आप तक पहुंचा रहे हैं बड़ी बात है बहुत बड़ी बात है कि रोज मतलब आप मान करके चलें कि लगभग दो लाख दस हजार पर डे साठ दस सत्तर सत्तर लाख रुपए महीने का हम आपको वापस कर रहे हैं तो इसे समझना चाहिए, समझना चाहिए तो आइए आज की पंचांग की बात कर लेते हैं आज का पंचांग बताते हैं माघ माह कृष्ण पक्ष सप्तमी तिथि सुबह सात बजकर सत्ताईस मिनट तक इसके बाद अष्टमी तिथि चंद्रमा कन्या राशि में एक बजकर अड़तालीस मिनट तक उसके बाद तुला राशि में नक्षत्र पूरे दिन चित्रा रहेगा और योग रहेगा सुकर्मा दोपहर तीन बजकर पांच मिनट तक इसके बाद धृति तदनुसार अनुसार दिनांक सत्रह जनवरी दिन शुक्रवार शुक्रवार को राहु काल का समय होता है साढ़े दस से बारह और शुक्रवार को साढ़े सात से नौ तक गोलिक काल हो राहु काल नए और शुभ काम को मना करता है गुलिक काल किसी भी नए और शुभ काम के आरंभ को तस्दीक करता है प्रोसीड करता है पंचांग के बाद अब आज के पूरे दिन का हाल दिनांक सत्रह जनवरी का पूरा दिन कैसा बीतेगा मे से लेकर के मीन तक का हाल आइए शुरुआत करते हैं और बताते हैं सबसे पहले आज की भविष्यवाणी मेष राशि पढ़ाई के मामले में आज कुछ उद्विग्न रहेंगे मन नहीं लगेगा व्यापार अच्छा करेंगे बिजनेस में कोई दिक्कत नहीं आएगी प्राइवेट सेक्टर वालों को कुछ मुश्किलें आज परेशान कर रही हैं प्राइवेट सेक्टर में धन की स्थिति आज कम रहेगी लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर में नई नौकरी की संभावनाएं बन रही हैं डिपार्टमेंटल प्रमोशन के चांसेस हैं दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा स्त्री सुख की पूर्ण प्राप्ति हो रही है मेष राशि सत्रह जनवरी शुक्रवार लव लाइफ में आज ब्रेकअप की संभावना शाम तक बन ही जाएगी तीन बजकर चालीस मिनट के बाद थोड़ा सा अपनी वाणी पर संयम रखिएगा स्वास्थ्य के मामले में जुखाम खांसी और बुखार की शिकायत रह सकती है प्रयोग क्या करना चाहिए अगर आपकी राशि मेष है तो आपको आज एक प्रयोग जरूर करना चाहिए और वो है एक चुटकी चीनी किसी पौधे के नीचे डाल दीजिएगा शुभ रंग आपके लिए आज बता देते हैं। क्या नहीं करना है आज किसी अजनबी पर भरोसा नहीं करना है शुभ रंग आज आपके लिए नीला भाग्य प्रतिशत फिफ्टी सिक्स छप्पन वृषभ राशि वृषभ राशि वालों के लिए पढ़ाई के मामले में आज कुछ दिक्कतें आ रही हैं शिक्षा आज आपकी अधूरी रह सकती है शिक्षा में परेशानी रहेगी व्यापार अच्छा चलेगा बिजनेस में नए अनुबंध हो सकते हैं नए अग्रीमेंट्स हो सकते हैं फंसे धन की प्राप्ति आज हो जाएगी वाहन का सुख मिलेगा लेकिन प्राइवेट सेक्टर वालों के लिए कुछ मुश्किलें आ रही हैं प्राइवेट सेक्टर के लिए समस्याएं गंभीर रूप ले सकती हैं आज नौकरी पर आंच आ सकती है गवर्नमेंट सेक्टर अच्छा रहेगा हर समस्या का समाधान मिलेगा गवर्नमेंट सेक्टर वालों के लिए परेशानियों का अंत आज अपने आप हो रहा है दांपत्य जीवन अच्छा रहेगा दांपत्य जीवन में समस्या नहीं आएगी एक दूसरे का सानिध्य साथ आप पसंद करेंगे दांपत्य जीवन बेहद सकारात्मक रहेगा लव लाइफ की स्थिति थोड़ी सी डामाटोल है लव लाइफ बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है आज हो सकता है शादी की बात फाइनल होने से रह जाए स्वास्थ्य के मामले में आज घुटने की तकलीफ और लीवर की समस्या हो सकती है प्रयोग क्या करना चाहिए आज वृषभ राशि वालों के लिए कच्चा चावल किसी जरूरतमंद को दे दीजिएगा क्या नहीं करना है आज वाहन किसी को उधार नहीं देना है लाल रंग शुभ है उनसठ प्रतिशत का भाग्य आपके साथ है मिथुन राशि पढ़ाई पूर्णता की तरफ इंटरव्यू में सफलता बिजनेस बेहतरीन चलेगा नए एग्रीमेंट्स हो सकते हैं नया व्यापार नया वेंचर आरंभ कर सकते हैं पार्टनरशिप आज टिक जाएगी प्राइवेट सेक्टर के लिए वाहन सुख आज उत्तम रहेगा नौकरी में परिवर्तन होगा विदेश से शुभ संदेश की प्राप्ति होगी गवर्नमेंट सेक्टर के लिए दिक्कतें पहले से ही हैं गवर्नमेंट सेक्टर में कुछ और समस्या आ सकती है आज कोई आपके विरुद्ध षड्यंत्र कर सकता है दाम्पत्य जीवन बेहतरीन रहेगा पत्नी के साथ रिश्ते में मधुरता रहेगी पति आज उद्विग्न होगा तो पत्नी को शांत रहने की आवश्यकता है लव लाइफ में कुछ विघटनकारी तत्व हस्तक्षेप करेंगे उन पर आपको अंकुश लगाने की आवश्यकता है स्वास्थ्य के मामले में कमर में आज तकलीफ ज्यादा रहेगी और अगर हर्ट के पेशेंट हैं तो यहां पर भी उलझने हैं प्रयोग क्या करना चाहिए आज मिथुन राशि वालों को आज के दिन किसी वृद्ध महिला को प्रणाम करके कुछ उपहार दे दीजिएगा क्या नहीं करना है आज आज बड़ों से जवाब तलब नहीं करना है स्लेटी रंग शुभ है चौंसठ प्रतिशत का भाग्य आपके साथ <coughs> कर्क राशि पढ़ाई आज अधूरी रह जाएगी शिक्षा में नुकसान हो सकता है शिक्षा के मामले में कुछ मानसिक अशांति रहेगी बिजनेस बेहतरीन रहेगा व्यापारी घाटे से बाहर आएंगे व्यापार में कुछ बड़ी उपलब्धि हो सकती है प्राइवेट सेक्टर के लिए नौकरी में उलझन बढ़ रही है षडयंत्र के शिकार होंगे मित्रों पर भी भरोसा आज कम करिएगा गवर्नमेंट सेक्टर में आज आउट ऑफ टर्न प्रमोशन के चांसेज है बॉस प्रसन्न रहेगा रुके धन की प्राप्ति होगी धन संबंधी विवाद आज समाप्त हो जाएंगे कोर्ट कचहरी में जीत मिलेगी आज का दिन कर्क राशि वालों को सत्रह जनवरी 2020 दिन शुक्रवार एक और समस्या परेशान करेगी आज किसी कीमत पर कोई ऐसी अड़चन आपके सामने आ सकती है गवर्नमेंट सेक्टर में जो आपने कभी किया ही ना हो अनएक्सपेक्ट दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा रिश्ते में मधुरता रहेगी आज पैचअप हो जाएगा लव लाइफ में भी सुधार हो रहा शादी की बात फाइनल हो जाएगी स्वास्थ्य के मामले में ऑपरेशन सक्सेसफुल होगा पीठ की दिक्कत दूर हो जाएगी कोई पुरानी समस्या का भी समाधान रहेगा दवाओं पे खर्च कम होगा उपाय क्या करना चाहिए आज गौ माता को दूध दीजिएगा क्या नहीं करना है आज किसी को उधार नहीं देना है ग्रे कलर शो पचास का भाग है सिंह राशि सत्रह जनवरी दिन शुक्रवार रिश्ते में मधुरता रहेगी पढ़ाई आज अच्छी करेंगे व्यक्तिगत विवादों से बाहर निकलेंगे कुछ बहुत बड़ी समस्या और अड़चन स्वतः दूर हो रही है परेशानियों से बाहर आ जाएंगे व्यापार अच्छा चलेगा बिजनेस में किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी व्यापारिक दृष्टिकोण से मुश्किलें हल होंगी दाम्पत्य जीवन अच्छा है आज बताऊंगा लेकिन पहले प्राइवेट सेक्टर वाहन का सुख मिलेगा नई नौकरी की संभावनाएं बन रही हैं मानसिक शांति मिलेगी गवर्नमेंट सेक्टर में आज कुछ उलझने परेशान करेंगी गवर्नमेंट सेक्टर में परेशानियां स्वतः बढ़ रही है सरकारी क्षेत्र वालों को आज बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है दाम्पत्य जीवन में पत्नी के साथ रिश्ता मधुर रहेगा बीच में बैठ करके उसका पैचअप करने की संभावना बढ़ रही है आज लव लाइफ जबरदस्त है आज सुधार होगा लेकिन दाम्पत्य जीवन आपके हाथ में डेट पे जाना कैंसिल करिएगा ज्यादा उलझन मचाने की आवश्यकता नहीं है स्वास्थ्य आज आंख की समस्या है माइग्रेन ठीक रहेगा आज कुछ पेट संबंधी दिक्कत भी हो सकती है प्रयोग क्या करना चाहिए सिंह राशि वालों को अगर आपकी राशि सिंह है तो आज इन दोनों अंगुलियों को ऐसे पकड़ करके कंठ पर रखें और तीन बार अपना नाम लें बस क्या नहीं करना है आज ब्लैक कलर नहीं पहनना गुलाबी रंग शुभ है अड़सठ प्रतिशत का भाग्य आपके साथ है कन्या राशि मानसिक शांति मिलेगी दिन अच्छा बीतेगा परेशानियों का अंत होगा कोई पुरानी समस्या का समाधान निकल आएगा आज का दिन व्यापार के मामले में बेहतर रहेगा बिजनेस बहुत बेहतरीन चल रहा है व्यापारिक दृष्टिकोण से लाभ के अवसर बनेंगे दाम्पत्य जीवन बताऊंगा लेकिन प्राइवेट सेक्टर में आज उलझनें बढ़ रही हैं अच्छा नहीं बीतेगा गवर्नमेंट सेक्टर में भी यही रहेगा धन के लेन देन को लेकर के आज उलझन बढ़ेगी आज चित्रा नक्षत्र का चंद्रमा आपके लिए परेशानी का कारण बनेगा जल्दीबाजी में लिए गया फैसला आपके लिए परेशानी का कारण बनेगा दाम्पत्य जीवन फिर भी दोपहर के बाद कुछ लय ले पकड़ेगा लेकिन लव लाइफ शाम आते आते रिश्ते में विच्छेद की स्थिति आ सकती है व्यक्तिगत तौर पर आज अपने आप को संयमित रखेंगे तो बेहतर रहेगा स्वास्थ्य के मामले में हेल्थ इशू आज कुछ हो सकता है स्वास्थ्य में आज कुछ परेशानी आपके द्वारा पैदा हो रही है स्वास्थ्य को लेकर के आज बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है प्रयोग क्या करना चाहिए आज आज के दिन को बेहतर करना है तो कुछ खाने पीने की वस्तु छोटे बच्चों में आज वितरित कर दीजिएगा क्या नहीं करना आज आज क्रोध में कोई फैसला नहीं लेना है काला रंग शुभ है इकहत्तर प्रतिशत का, का भाग्य आपके साथ है सत्रह जनवरी 2020 तुला राशि दिन बेहतर है रुके कार्य बन जाएंगे मानसिक शांति मिलेगी धन की स्थिति अच्छी रहेगी जिससे पढ़ाई कर ले जाएंगे व्यापार में आज घाटा हो सकता है बिजनेस में कुछ फैसले आपके उल्टे सिद्धे हो जाएंगे कोई दोस्त ही आपके लिए गड्ढा खो देगा अतिविश्वास से बचने की आवश्यकता है प्राइवेट सेक्टर के लिए नौकरी में प्रमोशन के चांसेस रहेंगे नई जगह अप्लाई किए होंगे तो उसका रिजल्ट आ जाएगा गवर्नमेंट सेक्टर के लिए वाहन से चोट चपेट की संभावना बन रही है आज नया कुछ वेंचर नहीं शुरू करना है बॉस से आज रिश्ते को मधुर रखना है लव लाइफ बताऊंगा दाम्पत्य जीवन आज अच्छा रहेगा सत्रह जनवरी तुला राशि दाम्पत्य जीवन में आज नई शुरुआत कर सकते हैं पत्नी के साथ रिश्ते में आई तलखी सदा सर्वदा के लिए दूर हो जाएगी स्वास्थ्य अच्छा है स्वास्थ्य में कोई समस्या नहीं आएगी लव लाइफ बेहतरीन शादी की बात हो जाएगी ऑपरेशन सक्सेसफुल होगा रिपोर्ट्स नॉर्मल रहेंगी तुला राशि व्यापार भी बताया मैंने उपाय क्या करना चाहिए आज तुला राशि वालों को आज के दिन को बेहतर करने के लिए ज्यादा किसी पर निर्भर नहीं रहना है आज अपनी बात किसी को शेयर नहीं करना है उपाय हो गया निर्भरता छोड़ दीजिए और क्या नहीं करना है अपनी बातों को शेयर नहीं करना है आसमानी रंग सुबह छाछठ प्रतिशत का भाग्य आपके साथ है जबरदस्त दिन आज वृश्चिक वालों के लिए फायदा होगा पढ़ाई के मामले में आज जबरदस्त उछाल आएगा बिजनेस अच्छा चलेगा रुके धन की प्राप्ति होगी पार्टनरशिप टिक जाएगी प्राइवेट सेक्टर में वाहन का सुख मिलेगा शादी की बात फाइनल हो सकती है प्रमोशन के चांसेस रहेंगे गवर्नमेंट सेक्टर में स्थितियां आपके पक्ष में हैं धन की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी प्रमोशन के चांसेज हैं दाम्पत्य जीवन सुधार होगा पत्नी के साथ रिश्ते में मधुरता रहेगी पति पत्नी के बीच तनाव खत्म होगा लव लाइफ तनाव बढ़ता जाएगा ब्रेकअप की संभावना बन रही है आज हड़बड़ाहट में कोई निर्णय मत ले दीजिएगा स्वास्थ्य के मामले में शुगर आज बढ़ा हुआ रहेगा खान पान पर बहुत एहतियात बरतने की आवश्यकता है आज उपाय क्या करना है मां दुर्गा के चरणों में रहिए ओम दुर्गा नम क्या नहीं करना है झूठी कस्में नहीं खानी पीला रंग शुभ बहत्तर प्रतिशत का भाग्य आपके साथ है धनुराशि दिन अच्छा है रुके कार्य बन रहे हैं समय आपके अनुकूल है पढ़ाई अच्छी चलेगी व्यापार बेहतरीन है बिजनेस में कोई दिक्कत नहीं आएगी व्यापारिक दृष्टिकोण से हर लाभ होगा प्राइवेट सेक्टर वालों के लिए कुछ मुश्किलें हैं लेकिन उसको भी आप हल निकाल लेंगे प्राइवेट सेक्टर में धन की स्थिति अच्छी रहेगी आज नौकरी में प्रमोशन होगा गवर्नमेंट सेक्टर वालों के लिए समस्याएं कुछ आएंगी बॉस जबरदस्ती आपसे जीत कर लेगा दाम्पत्य जीवन सुधार होगा दाम्पत्य जीवन में पत्नी के साथ रिस्था मधुर रहेगा लव लाइफ उल्टा सिद्धा होगा आज कुछ आप बोलेंगे कुछ वो बोलेंगे इसी में उलझ जाएगा स्वास्थ्य के मामले में सब ठीक ठाक है माइग्रेन की समस्या दूर हो रही है सांस की दिक्कत कुछ बढ़ सकती है खास तौर पे 18 20 25 के बीच के बच्चों के लिए धनुराशि क्या उपाय करना चाहिए आज आज किसी पौधे के नीचे एक चुटकी हल्दी डाल दीजिएगा क्या नहीं करना है आज ज़्यादा बड़बोला पर नहीं दिखाना है बादामी रंग शुभ है इक्यावन का भाग्य आपके साथ है सत्रह जनवरी दो मकर राशि पढ़ाई अच्छी चलेगी शिक्षा में आज लाभ होगा इंटरव्यू में सफलता मिलेगी फॉर्म कहीं भर सकते हैं व्यापार अच्छा है बिजनेस में रुके कार्य बन जाएंगे आपके सरकारी क्षेत्र से कुछ विशेष लाभ मिलेगा पार्टनरशिप अच्छी चलेगी आज व्यापार के बाद प्राइवेट सेक्टर वालों के लिए नौकरी में प्रमोशन के चांसेस हैं नई नौकरी की संभावनाएं भी बन रही हैं लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर में उलझन बढ़ सकती है सरकारी नौकरी बिल्कुल ठीक नहीं है गवर्नमेंट सेक्टर में परेशानियाँ कुछ स्वतः आप पर आ रही हैं दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा दाम्पत्य जीवन में बेहतर उछाल होगा लव लाइफ थोड़ा सा टफ रहेगा दोपहर बारह एक के आसपास सब ठीक हो जाएगा स्वास्थ्य के मामले में आज आंखों की दिक्कत और माइग्रेन की समस्या रहेगी प्रयोग क्या करना है मकर राशि वालों को आज के दिन बेहतर करना चाहते हैं दिन को अपने फेवर में तो किसी को आज कुछ पैसे दान कर दीजिएगा क्या नहीं करना है आज किसी बड़े बुजुर्ग से जुबान नहीं लड़ाना है हरा रंग शुभ चौसठ प्रतिशत का भाग्य आपके साथ कुंभ राशि पढ़ाई आज रुक सकती है शिक्षा में बड़े फैसले टाल दीजिएगा थोड़ा सा बड़ों का सुनना शुरू कर दीजिएगा व्यापार अच्छा चलेगा बिजनेस में लाभ के अवसर बनेंगे लेकिन प्राइवेट सेक्टर में आज आप पर उंगली उठ सकती है गवर्नमेंट सेक्टर अच्छा रहेगा मेहनत करेंगे रिवॉर्ड मिलेगा दाम्पत्य जीवन अच्छा है दाम्पत्य जीवन में किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी दाम्पत्य जीवन में कुछ विशेष लाभ मिलेगा दाम्पत्य जीवन में रुके कार्य आपके बन जाएंगे स्वास्थ्य के मामले में समस्या आ सकती है लेकिन लव लाइफ जबरदस्त है आज। प्रपोजल मिल सकता है शादी की बात फाइनल हो सकती है हेल्थ में दिक्कत क्या आएगी बुखार तो आपको उलझाएगा पूरे दिन शाम तक पेट संबंधी दिक्कत भी आ सकती है प्रयोग क्या करना चाहिए आज बजरंग बली का ध्यान करिएगा वैसे तो दिन शुक्रवार है लेकिन आपके लिए मंगल का ही मंगल कुछ कर सकता है प्रयोग क्या नहीं करना आज आज ज्यादा जल्दी में फैसला मत लीजिएगा भूरा रंग शुभ अड़सठ प्रतिशत का भाग्य है अंतिम राशि 17 जनवरी 2020 दिन शुक्रवार मीन राशि पढ़ाई के लिए आज का दिन बम बम है शिक्षा में आज जबरदस्त उछाल आएगा पढ़ाई आज अच्छी चलेगी बिजनेस में दिक्कत आ सकती है व्यापारिक दृष्टिकोण से कुछ मुश्किलें आएंगी दाम्पत्य जीवन बताऊंगा लेकिन प्राइवेट सेक्टर वालों के लिए आज का दिन रिस्क लेना भारी पड़ेगा धन कहीं फंस सकता है कोई पुलिसिया केस वगैरह की भी संभावना है आज दाम्पत्य जीवन थोड़ा सा और रुकी पहले गवर्नमेंट सेक्टर बता दें वाहन से चोट आदि की संभावना बन रही है नौकरी में कुछ परेशानियां अचानक बढ़ जाएंगी और आप फंस जाएंगे दाम्पत्य जीवन जबरदस्त रहेगा आज पिछला विवाद सब खत्म हो जाएगा पैचअप हो जाएगा रिस्क दूर हो जाएगा उपाय क्या करना चाहिए बताऊंगा लव लाइफ लव लाइफ में नया प्रपोजल मिलेगा शादी की बात फाइनल हो सकती है कल वाले विवाद को आज मिल बैठ करके हल निकाल लीजिएगा शुक्रवार है आज क्या नहीं करना है पहले बता दूं लेकिन पहले स्वास्थ्य भी बताऊंगा मैं आज घुटने की तकलीफ कंधों में समस्या और लीवर की दिक्कत हो सकती है प्रयोग के तौर पर आज का दिन बेहतर करने के लिए हरी सब्जी किसी जरूरतमंद को दीजिएगा क्या नहीं करना है आज पीछे मुड़कर नहीं देखना है लाल रंग शुभ इक्यावन प्रतिशत का भाग्य आपके साथ है मे से लेकर के मीन तक का आइए जानते हैं आज का भाग्याक्षर मेषाक्षर विषभ था मिथुन घाक्षर कर्क रा सिंहहाक्षर कन्या खा तुला छोटा ऊ अक्षर वृश्चिक टा ता, धनुताक्षर मकर चा कुंभ राक्षर मीन पा ये आपके अपने शुभ भाग्याक्षर है चौबीस घंटे के लिए अपने पास लिख करके रख लीजिएगा तो मित्रों कल और परसों दो दिन आप हमसे चंडीगढ़ मिल सकते हैं समय बहुत कम है आज है आज का है कल पहुंचना है तो जल्दी से समय ले लीजिए चंडीगढ़ के आसपास के जितने लोग अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं बच्चों के लिए कैरियर काउंसलिंग पत्नी पति के लिए फैमिली काउंसलिंग बच्चे के लिए प्लान कर रहे हैं तो उसका शुभ गर्भाधान संस्कार मुहूर्त आदि बहुत सारी जानकारियां जिसमें ज्योतिष हमारी सटीक मदद कर सकता है उसकी जानकारी के लिए आप हमसे मुलाकात करने के लिए दिए गए नंबर्स पर व्हाट्सअप करें चंडीगढ़ अपॉइंटमेंट लिखकर और जयपुर मिलना चाहते हैं तो बीस इक्कीस दो दिन बाद और लखनऊ मिलना चाहते हैं तो सत्ताईस अट्ठाईस जनवरी ये फिक्स है मिलने के लिए नंबर आपके सामने है कुछ नहीं करना है बस कॉल करिए व्हाट्सएप करिए बहुत बहुत शुक्रिया चलते चलते सक्सेस की बताते हैं दाहिने हाथ की छोटी उंगली से नाभि पर ऐसे लगाइए स्किन टच करके सांस खींचिए और एक बार अपने पिता का नाम लेना है और फिर दिन की शुरुआत करनी है उम्मीद करते हैं कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आएगा और इसका लाभ आप जरूर लेंगे तो रात में ठीक 10 बजे लाइव जुड़ना ना भूलिएगा थैंक यू हैवी नाइस डे टेक केयर श्री कृष्णा श्री राधे